इस सेशन में हम लोग जानेंगे रिलेशनशिप वर्सेस रिलेशनशिप सेट के बारे में। क्या आप कह लो कि रिलेशनशिप क्या होती है और रिलेशनशिप सेट क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ईआर मॉडलिंग में जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी उन टर्म्स को देख रहे हैं हम लोग। तो रिलेशनशिप क्या होती है, अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो कहता है अ यूनिकली आइडेंटिफाइबल एसोसिएशन दैट इंक्लूड्स वन अकरेंस फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट। ओके, और रिलेशनशिप सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स हैविंग एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, एक पॉइंट यह भी लिखा हुआ है कि अ रिलेशनशिप सेट विल इनहेरिट सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एसोसिएटिंग एंटिटी सेट्स। तो अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ओके, सपोज करो हमारे पास एक बैंकिंग डेटाबेस है। ओके, मीन्स बैंक में जितनी एक्टिविटीज होती हैं उनसे रिलेटेड एक डेटाबेस है। तो बैंकिंग सिस्टम में एक कस्टमर एंटिटी सेट है और एक अकाउंट एंटिटी सेट है। ओके, यहाँ पर कस्टमर के दो एट्रीब्यूट्स हैं, या कह लो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। ओके, यहाँ पर अकाउंट एंटिटी सेट के दो एट्रीब्यूट हैं, अकाउंट नंबर और बैलेंस। ओके, अब इसमें हमको समझना है कि रिलेशनशिप क्या होती है। तो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस कस्टमर एंटिटी सेट के इसकी एक एंटिटी से एसोसिएशन कर रही है। मींस कि जैसे यहाँ पर कस्टमर, मैंने इसकी ये क्या है, एंटिटी वन, एंटिटी टू, एंटिटी थ्री और एंटिटी फोर। ओके, सिमिलरली अकाउंट में भी एंटिटी वन, एंटिटी टू, एंटिटी थ्री और एंटिटी फोर, पूरा का पूरा ये टपल। ओके, इसको टपल भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं, या एक रो बोलते हैं। ओके, और वही एंटिटी है। तो अब यहां से देखें कि सी वन अपना रिलेशनशिप, अपना एसोसिएशन बना रही है किससे, ए फोर से। तो हमने क्या किया, जो रिलेशनशिप है उसको डायमंड इससे शो किया जाता है, सिंबल से। ओके, और जो है क्या कहते हैं कि जो डिपॉजिटर, इस रिलेशनशिप का नाम डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर जो रिलेशनशिप है इसको रिलेशनशिप सेट और रिलेशनशिप दोनों के टर्म में इसी पे बात की जाएगी। तो इसका अपना भी एक एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो अब देखो जो कस्टमर आईडी C1 है, कस्टमर का इधर का C1, ये क्या कर रहा है, अकाउंट नंबर A4 इससे एसोसिएट हो रहा है। और डेट ऑफ ऑपरेशन क्या है, 1/2/2006। ओके, तो इस तरीके से C1 A4 से रिलेशन कर रहा है, C2 A1 से है, C2 के रिस्पेक्टिव कस्टमर जो जिसकी आईडी 2 है, C2 उसके रिस्पेक्टिव जो अकाउंट नंबर है वो A1 है, वो A1 से एसोसिएट हो रहा है। C3 इस तरीके से C3 A2 से एसोसिएट हो रहा है। C4 एसोसिएट हो रहा है A3 से। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग में, या कह लो कि ईआर मॉडलिंग में जब इस रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट को बताया जाता है तो उसके लिए टेबल बनती है, टेबल से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको यूज किया है। एक्चुअल में ईआर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये डायग्राम। ओके, रिलेशनशिप इसमें क्या है, डिपॉजिटर। तो अब देखो डिपॉजिटर में एक C1 A4 और डेट ऑफ ऑपरेशन ये आ गई। तो इस तरह से ये क्या है, एक इसको बोल रहा हूं रिलेशन वन। ओके, रिलेशनशिप टू, ये क्या है रिलेशनशिप थ्री, और ये क्या है रिलेशनशिप फोर। तो इस तरह से रिलेशनशिप के फोर अकरेंसेज इसमें दिखाई दे रहे हैं।
ओके। और अगर इन सारे अकरेंसेज R1, R2, R3, R4 को कंबाइनली हम देखें तो बोला जाएगा कि ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप सेट है। ओके, तो ये इसका मतलब है। दूसरा एक पॉइंट ये लिखा था, रिलेशनशिप सेट विल इनहेरिट सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एसोसिएटिंग एंटिटी सेट्स। तो जैसे कस्टमर जो एंटिटी सेट है उसका एक एट्रीब्यूट क्या ले लिया है इसने, कस्टमर आईडी। इसी तरीके से अकाउंट का भी एक एट्रीब्यूट इनहेरिट कर लिया है, अकाउंट नंबर। ओके, और जो इसके अपने एट्रीब्यूट हैं, डेट ऑफ ऑपरेशन एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरीके से हमको रिलेशनशिप ये दिखाई पड़ रही है। ओके, एंड दैट्स डन।